मेरी तरह अगर आप बार बार मटर पनीर की सब्जी खा खा के कंटाल गए हो तो आ जाओ, आज बनाते हैं मसाले वाले, वो भी बिना फ्रेश क्रीम इस्तेमाल किए, बिना काजू की सब्जी बनाएंगे। वैसे अभी बहुत गर्मी चल रही है तो कुछ खाने को मन नहीं होता है, पर अगर काजू की सब्जी बनाओ तो सब खा लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम कविता है और मैं मुंबई में रहती हूँ। पैन में मैंने एक चम्मच घी डाल के आधा कप जितना काजू मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिया है साइड में। तो जब तक काजू रोस्ट हो तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। तो इधर मैंने दो प्याज, एक टमाटर, मिर्ची लिया है और लहसुन लिया है। सबको हमें बारीक बारीक चॉप करना है। मेरे पास ऑलरेडी चॉपर है तो मैं चॉपर से ही कट लेती हूँ, क्योंकि चॉपर से मेरा जो काम है वो आसानी से हो जाता है। तो सारी सब्जियाँ ना बहुत ही अच्छे से बारीक चॉप करके हो गया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथों से भी कर सकते हो, बस हमें चॉप करना है, इसकी ग्रेवी नहीं बनाना है। तो काजू को मैंने धीमी आंच पे ही सेका था तो काजू बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस अभी गैस का फ्लेम हमें बंद करना है, उसको हमें साइड में निकाल देना है, नहीं तो ना काजू ओवर कुक हो जाएगी और जल जाएगी। तो ये सब्जी मैं करीबन 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो आप इस तरह से मेजरमेंट लीजिएगा। वही पैन में मैंने आधा ग्लास जितना पानी डाला है। गैस की फ्लेम मैंने फुल रखा है। एक प्याज मैंने काट के रखा है, रफली चॉप किया है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जितना काजू डाला है, 2 चम्मच मैंने तिल के दाने डाले हैं सफ़ेद वाले, और 2 चम्मच मैंने खरबूजा के बीज डाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें उबालना है, जब तक पानी ख़त्म ना हो जाए ना तब तक हमें उबालना है। जैसे पानी ख़त्म हो जाएगा ना तो सब्जी भी पक जाएगी और सारी चीज़ें हमने जो डाली थी ना वो भी पक जाएगा, यानी कि वो सारी चीज़ें ना थोड़ी सी फूल जाएगी। तो ये चीज़ ना हमें हेल्प करेगी फ्रेश क्रीम बनाने, मतलब इससे तो फ्रेश क्रीम नहीं बनता है पर फ्रेश क्रीम का काम करेगी। आप देख सकते हो इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया है, जब भी हम इसको पीसेंगे ना तो बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा और वाइट वाला टेक्सचर बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि हमें ऊपर से कोई भी फ्रेश क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सारी चीज़ें ना पानी ख़त्म होने के बाद हमें ठंडी कर लेनी है। ठंडी होने के बाद हमें मिक्सी जार में इसको पीस लेना है। अब देख सकते हो वाइट वाला क्रीम जैसा टेक्सचर तैयार हुआ है, जैसे वाइट क्रीम रहता है ना, बस बिल्कुल ही वैसा ही। अब इसके जगह पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दूध की जो मलाई आती है ना जो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, वो भी आप आराम से 4 से 5 टेबलस्पून का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वही कढ़ाई में मैंने 6 से 7 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आधी चम्मच मैंने हींग का इस्तेमाल किया है। मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। तो इधर मैंने एक तेज़पत्ता डाला है, एक इलायची डाला है, एक तड़का लगाते टाइम मैंने गैस का आंच फास्ट रखा है। जब भी तड़का लग के तैयार हो जाएगा ना तभी हम स्लो कर देंगे। तो 1 चम्मच मैंने जीरा डाला है। उसके बाद हमें सब्जियां जो काट रखी थी ना वही डाल देना है। अभी हमें सब्जी को अच्छे से पकाना है, तो थोड़ी देर के बाद ना सब्जी पक जाएगी। तो ज़रा तो अभी हमें गैस की जो आंच है वो धीमी करनी है, जब तक सब्जी पक ना जाए ना तब तक। तो सब्जी को हमें स्लो आंच में ही पकाना है। तो थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो करीबन 3 मिनट ही लगेगी तो सब्जियां पक जाएगी। 1 चम्मच मैंने धनिया जीरा पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने लाल कश्मीरी मिर्च डाला है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 1/2 नींबू का रस, 1/2 चम्मच मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है। सभी मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है ताकि सारा मसाला, तो हमने जो खड़े मसाले डाले थे ना आप चाहे तो निकाल सकते हो। वैसे जब भी तड़का लगाती हूँ तभी मैं खड़े मसाले डालती हूँ, पर एट द एंड में निकाल लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी मुँह में आ जाता है और मेरे घर वालों को कदई पसंद नहीं है कुछ भी मुँह में आए, तो इसी वजह से मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद हमने जो व्हाइट क्रीम वाला ये डाल तैयार किया ना वही डाल देना है। कलर, लुक और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए ढककर रख दो, जब तक ना ऑयल सेपरेट ना हो जाए ना तब तक। आप देख सकते हो जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। इस स्टेज में हमें काजू जो फ्राई किया था ना वही डाल देना है। 1 चम्मच मैंने कस्तूरी मेथी डाल देना है और कटा हुआ धनिया डाल देना है। चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल सकते हो अगर आपको ग्रेवी एडजस्ट करनी हो या फिर थोड़ा सा पतला रखना हो। तो मैंने ना थोड़ी सी गाढ़ी वाली ग्रेवी रखी है, आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा पतला रख सकते हो। रोटी, पराठा, नान या फिर कुलचा के साथ आप इंजॉय कर सकते हो। वैसे ना अगर घर पे ऐसी एक सब्जी है काजू की जिसको खाने से कोई भी मना नहीं करता है, वैसे काजू की सब्जी तो सब चाट चाट के खाते हैं और काजू भी गिन गिन के खाते हैं, इतना मज़ेदार इतना टेस्टी बनता है बिल्कुल ढाबा और रेस्टोरेंट जैसा,
आप भी एक बार जरूर ट्राई करना काजू वाली सब्जी। ये वाली सब्जी बनाओगे ना तो घर पे शाही पनीर, मटर पनीर या फिर पनीर वाली सब्जी बनाना भूल ही जाओगे। वैसे एक बार बनाया था पर हर बार यही बना रही हूँ। मेहमान आते ही बोलते हैं घर पे शाही पनीर बनाओ। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी था कि पूछो ही मत। तो अभी ना आमरस की सीजन चल रही है तो मैंने इसके साथ आमरस भी सर्व किया था। वैसे गर्मियाँ चल रही है तो खाना खाने का भी मन नहीं होता है, पर ये बनाती हूँ तो सबका सब खत्म हो जाता है। आजकल बच्चे लोग के भी नखरे रहते हैं क्या बनाऊँ क्या खाऊँ, मेरे को ये नहीं खाना है, ये वाली सब्जी मेरे को पसंद ही नहीं है। तो कभी कभी बच्चों को भी ट्रीट करना बनता है। वैसे मेरे घर पे एक वीक में तो ये वाली सब्जी बनती ही है। तो जब भी मैं काजू की सब्जी बनाती हूँ जो लोग 3 रोटी खाते हैं वो लोग 5 रोटी खाते हैं। वैसे मेरे घर पे ना कभी कोई बोलता नहीं है कि सब्जी कैसी बनी है, पर इस तरह से बोलते हैं कि अगर सब्जी बच गई हो तो फ्रिज में रख देना, मैं नेक्स्ट डे भी खाऊंगा। तो मैं समझ जाती हूँ कि सब्जी अच्छी बनी है। तो आप भी ये वाली रेसिपी मेरी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना। बिना फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किए बिना भी ये सब्जी बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार लगती है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।